आधार सर बताओ, आज ये बताओ हमारे किसानों की बोनी खराब हो रही पूरा फर्जी में आप लेकर डाल गए, आप जो गोदाम में सील करें आदमी खाती दे रहे आदमी उनका गोदाम में चेक करो, किसान आकर परेशान कर दिया जब। डीएपी खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने तहसील के सामने खिमलासा रोड पर किया चक्का जाम, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दरअसल डीएपी खाद किसानों को नहीं मिलने से दर्जनों किसानों ने आज किसान नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में तहसील के सामने खिमलासा रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते खिमलासा रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी कंवल लिंगवाल पहुंच गए और समझाइश के बाद चक्का जाम को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद दर्जनों किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम प्रकाश नायक को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि खाद विक्रेताओं की गोदाम की जांच कर स्टॉक को चेक किया जाए और किसानों को उचित सरकारी मूल्य पर खाद वितरित किया जाए। वहीं एसडीएम प्रकाश नायक ने किसानों को टीम तैयार कर गोदाम की जांच कराने का आश्वासन दिया है। हम किसानों ने इसलिए चक्का जाम किया है कि हमारे किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है और आज की बिना में न तो सरकारी कहीं गोदामों में हैं और प्राइवेट के जितने यहाँ के वो हैं प्राइवेट वाले भी खाद नहीं दे रहे और गोदामों में खाद है, बहुत ज़्यादा खाद धरे हैं और 1800 रुपया में प्राइवेट वाले किसानों को खाद दे रहे हैं। इसलिए खाद हमारे किसान घबरा रहे कि इतना महंगा खाद लेके क्या करेंगे हम, हमारे किसानों की ज़मीनें खराब होने वाली हैं और 2-3 दिन में अगर खाद नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी खाद व्यवस्था बनाएं। यूपी में तो खाद मिल रहा है, क्यों यूपी में चुनाव है, हमारे यहाँ चुनाव नहीं है तो खाद नहीं मिल रहा है। इसलिए जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि खाद की व्यवस्था बनाएं।